हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडियोब। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एपोमिक्सिस का। देखो, इसके पहले जितने भी आपने लेक्चर देखे हैं, जो ये प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का ये हमारा पार्ट है। इसके पहले जो हमारा जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनते हैं। कितने मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। तो इसके पहले जो हमने पार्ट देखा था वो देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। तो आप पहले वो जाके लेक्चर देख लीजिए, प्लांट ब्रीडिंग में ही मैंने डाल के रखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। प्ले लिस्ट में जाइए, जो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा वो लेक्चर। तो वहाँ का जो पहला अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो जो एंड पोर्शन है वो जरूर स्पेसिफिकली आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने स्पोर्स बनाए थे और स्पोर्स बनाए थे और उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इसमें कराया था, ठीक है। क्या कराया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कराया था। अब ये जो हमारा पार्ट है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। वहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा था, लेकिन वहाँ पे हमने एपोमिक्सिस नहीं देखा था। और जो एपोमिक्सिस है, ये मान लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है किसका? आपका, इसका, अपना प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी कंसेप्ट है ये आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने क्लियर कर लेंगे यहाँ पे अपन कंसेप्ट। तो पूरा लेक्चर देखिए एंड तक, आपको मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, विद डायग्राम सारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगी पूरी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ इस चीज़ को लेके कि कैसे हमने ये गैमेट्स बनाए थे, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास ये फ्लोवर था, ठीक है, ये फ्लोवर है, फ्लोवर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पर यहाँ पे एक तो होता है फीमेल पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, और जो बाहर वाले दिख रहे हैं ये मेल पार्ट है ना। मेल पार्ट का हम आपको इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा पार्ट है तो उससे इतना लेना देना नहीं है, तो यहाँ तक का अभी मैं आपको वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसको अभी आप छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम आते हैं सीधा फीमेल पार्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेगा स्पोरोसाइट होता है जो कि 2N होता है। अब इसमें अपन एक एक बात चीज़ करके देखते जाएंगे, ठीक है। MMC जो हमारा होता है, मेगा स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। उसमें जो हमारा मियोसिस होता है उससे हमारा बनता है मेगा स्पोर बनता है, जो कि हमारा N होता है। इसके बाद हमारे माइटोसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मियोसिस के बाद यहाँ पे माइटोसिस होता है, जिससे कि हमारे इस तरीके से 8 सेल जो है डेवलप हो जाते हैं, और 8 सेल का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमारा होता है, जो अभी और भी पुराने लेक्चर में तो मैं बता ही चुका हूँ, अभी आपको और भी डिस्क्राइब हो जाएगा। 8 सेल में 2 सेल आपका बीच में चले जाता है, 1 सेल आपका एक बन जाता है, 2 आपके सिनर्जिस बन जाते हैं और 3 आपके एंटीपोडल सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी इसलिए सुनाई है आपको ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चलता रहे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसको अगर शॉर्ट में बना दिया जाए तो समझिए ये अंदर क्या बन गया, ये एम्ब्रियो सेक बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक, मेगा गेमेटोफाइट जो होता है, ठीक है, मेगा गेमेटोफाइट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये टर्म आप जरूर याद रखिए, एम्ब्रियो सेक को ही हम क्या बोलते हैं? मेगा गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब इसके बाहर ही जो होता है आपका, इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इधर एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड होता है। ऊपर की साइड जो एंड होता है उसको हम चलासल एंड बोलते हैं, लेकिन इसके बाहर जो होता है आपके इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाहर जो है इस तरीके का एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें इसको हम पूरे को न्यूसेलस बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा, आप समय थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा इस लेक्चर को पूरा देखिए तो आपके पास एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और ये लेक्चर देखने के बाद आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसको एंड तक जरूर देखिए, ठीक है, वरना फिर ये है कि कन्फ्यूज़न होती रहेगी, क्योंकि हर बुक में कब तक देखोगे समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। तो इसको समझ लेना पूरा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। वो कोशिश करूँगा एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आए। तो सबसे पहले ऐसे समझिए देखो चीज़ों को, ठीक है। पहले मैं ये समझा ही देता हूँ आपको। तो इस तरीके से है, ये न्यूसेलस है ना, इसको न्यूसेलस बोलते हैं हम, न्यूसेलस, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है ऊपर का, इसको चलासल एंड बोलते हैं, चलासल, ठीक है। इतनी चीज़ें आप अभी याद रखिए। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरीके से ओव्यूल ही आपका हो गया है, ठीक है, ओव्यूल, ओव्यूल हो गया है। तो कैसे हो गया ओव्यूल? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आ जाते हैं। देखो, ये जो आपका फीमेल पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा। और ये आपका होगा स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने यहाँ से आपका बड़ा बना दिया, ये हो गया आपका ओव्यूल। क्या हो गया? ओव्यूल हो गया है। ओव्यूल के अंदर ये जो है, ये है आपका एम्ब्रियो सेक। तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई? क्या हुआ था? ये ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एक आपका जो सेल होता है वो MMC बनता है, ठीक है, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल मतलब ये बनाएगा मेगा स्पोर को। मदर सेल ना, किसका मदर सेल है? मेगा स्पोर का है। तो
मेगा स्पोर को ये बनाएगा, मेगा स्पोर को ये बनाएगा। तो ये एक एमएमसी होता है, ये किसके, देखो यहाँ पे और थोड़ा सा समझने की बात है, ये पोर्शन शुरू में ऐसा होता है, कुछ मत समझिए, इसमें ऐसा होता है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है जो कि क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2N होती है, ठीक है, 2N होती है। और ये सब क्या होता है, इस तरीके से पूरी सेल होती है, सारी की सारी सेल होती है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, इस तरीके से समझिए पूरी सेल ही सेल होती है, सब 2N होता है। इसमें से कोई एक सेल होती है, ठीक है, कोई एक सेल आपकी हो गई, मान लो ये एक सिंगल सेल हो गई यहाँ पे, ये सिंगल सेल हो गई, इसको हमने बोल दिया एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। ये इसी के अंदर होती है, ओव्यूल से, न्यूसेलस से ही एक सेल होती है जिसको कि हम, ये न्यूसेलस है पूरा, जिसमें 2N होता है न्यूसेलस पूरा, ठीक है। तो इसी में से एक ऐसा सेल है जो कि हमारा एम्ब्रियो से बनाएगा, तो वो जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है मियोसिस, ये टर्मिनोलॉजी भी आप याद रखिए, मेगा स्पोरो साइट बोलते हैं इसको हम, तो ये आपका बनाता है मेगा स्पोर बनाता है। तो मेगा स्पोर क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो गया है, तो 2N करके हो गया है आपका N, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए, N हो गया है, तो ये इस तरीके से यहाँ से फिर इसमें हो गया आपका माइटोसिस हो गया, तो इस तरीके से माइटोसिस के बाद, ठीक है, माइटोसिस हो गया, तो हमारे इस तरीके से 8 सेल बन जाएंगे, और 8 सेल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्लियर है, इतना होना चाहिए क्लियर, क्योंकि इतना क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई यहीं से आपको सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि एपोमिक्सिस में बता रहा हूँ अगेन, आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आपको एक एक चीज़ समझना यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा एपोमिक्सिस की कोशिश करते हैं शुरू से, अब थोड़ा थोड़ा समझने की। एपो ये देखो दो शब्द से बना, एपो, ठीक है, और मिक्सिस इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, या फिर एपो का मतलब होता है एक तरीके से ये जो मिक्सिस को रोकता है, ठीक है, अवे फ्रॉम हो गया या फिर मिक्सिस को रोकता है। तो इसमें मिक्सिस नहीं होती, मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन जो है हमारा नहीं होता है, ठीक है, जैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ नहीं होता है हमारा। तो क्या बोल रहे हैं, सीड्स आर फॉर्म, बस इसमें सीड जरूर बनते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये कॉपी तो करता है, मतलब इसमें सीड्स तो आपके बन रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस में, वहाँ पे हमारे सीड नहीं बन रहे थे, बट यहाँ पे आपके सीड बन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और देखा जाएगा आपको मियोसिस भी नहीं होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अभी इतना समझिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो टर्म में सबसे पहले आपका विंकलर ने दिया था, इस पे अगेन क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसने दिया था, विंकलर ने दिया था। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको आगे समझ में आएगी, जैसे जैसे हमारा 2N से 2N बन रहा है और N से हमारा N बन रहा है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं है इसलिए मिक्स चीज़ नहीं होगी, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होंगे, क्या नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, उसकी वजह से जो आपके जीनोटाइप रहेंगे, जीनोटाइप पता है ना, हम जैसे ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये क्या है कि क्योंकि मियोसिस इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं हो रहा है, तो ये आइडेंटिकल ही रहेंगे, कैपिटल ए तो कैपिटल ए ही रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में, स्मॉल ए स्मॉल ए तो स्मॉल ए ही रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में, कैपिटल ए स्मॉल ए हेटरोजाइगस है तो हेटरोजाइगस ही रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में। इसका क्या फ़ायदा है, ये हम अभी इसका जो एपोमिक्सिस के जो सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे। अब जो एपोमेक्टिक स्पीसीज होती है, जिसमें एपोमेक्सिस होता है उसको एपोमेक्टिक स्पीसीज बोलते हैं, या तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है, देखो देखो एक और समझने वाली बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बाद में सप्रेस हो रहा है वहाँ पर, समझाऊंगा वो भी किस तरीके से होता है आपको, ठीक है, या तो फिर एबसेंट होता है, कुल मिला के देखो क्या बोल रहा है, सप्रेस्ड भी होता है और एबसेंट भी होता है, या तो सप्रेस रहेगा या तो एबसेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एपोमेक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वैसे नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन मतलब समझ रहे हैं ना, ये एन और फीमेल एन और मेल एन का क्रॉस जब होगा, थोड़ा सा इसमें आप और थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल आ जाइए इस चीज़ में। देखिए जो एग है इसका एक न्यूक्लियस होता है अंदर, और ये जो हमारा मेल पार्ट है इसका जो पोलन ट्यूब बनता है, इसमें भी एक एग होता है ना, हम डबल पढ़ते हैं उसमें, तो इसमें भी एक जो होता है न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जाके पहले तो इस एक के अंदर आएगा, ठीक है, एक के अंदर आ गया है ना, पेनिट्रेट हो गया एक के अंदर, लेकिन इनका फ्यूजन नहीं हुआ है यहाँ पे, बात समझिए,
इनका फ्यूजन नहीं हुआ है यहाँ पे, क्रॉसिंग नहीं हुई इन दोनों की, ये घुसे नहीं है एक में एक, ये एन और एन ना अलग अलग ही है, भले ही एक सेल के अंदर आ गए हों लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, चीज़ें यहाँ तक समझने की बात है कि यहाँ तक आ तो गया है लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये फ्यूज़ नहीं हुआ इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो बिना फ्यूजन के हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते, इसे ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये टकरा गए अंदर घुस गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है, जब तक इसमें अगर आपका फ्यूजन नहीं होता तो उसको हम नहीं बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझना, ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ज़रूरी है ना, अभी बता दूंगा तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो रिप्रोडक्शन अगर होता है, देखो एक और चीज़ देखो, ये देखो कितनी वापस से चीज़ बता के रखी, रिप्रोडक्शन अगर होता है तो ऐसे एपोमिक्सिस को हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही होता है तो उसको हम ऑब्लिगेट बोलते हैं। तो ये चीज़ तो वैसे भी आप याद रखिए, जहाँ पे भी फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट आ जाएगा तो फैकल्टेटिव टर्म जहाँ भी आता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर उसको पॉसिबिलिटी मिलती है तो ओके, नहीं मिलती है तो भी ओके है, उसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ऑब्लिगेट आ गया, ऑब्लिगेट वहाँ पे समझिए इस टर्म का मतलब ये होता है कि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, एक ही चीज़ है आपको बस एपोमिक्सिस ही होना है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, रिप्रोडक्शन अगर होता है तो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, अगर नहीं होता है तो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एपोमिक्टिक रिप्रोडक्शन जो है बहुत, एक तो वाइडली है, इसलिए ये लेक्चर मैं अगेन बोल रहा हूँ बड़ा समझने वाला लेक्चर है, वाइडली है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, मतलब ऐसा समझ लो कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर यही है, तो इसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे और पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, और जो भी नहीं समझ में आए आप कमेंट कर देना नीचे। ठीक है, और ठीक है, मेहनत करिए, आपके लिए तो लाइक सब्सक्राइब बनता है ना, सब्सक्राइब, क्योंकि 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो 100 लेक्चर से मोर देन 100 लेक्चर आपके हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देख तो वैसे भी रहे हैं, चलो यहाँ आ जाते हैं। अब जो हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे, ठीक है, ये क्या क्या थे, एक सेक्सुअल पता है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल के अंदर एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है एपोमिक्सिस, तो वेजिटेटिव में पढ़ा चुका हूँ आपको, क्योंकि एपोमिक्सिस कन्फ्यूजन था इसके लिए अलग से अपन लेक्चर लेके आए। अब ये अगेन दो तरीके के होते हैं, केमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, एक तरीके से समझिए प्लांट से हम गेमेट बनाते हैं और गेमेट से हम प्लांट बनाते हैं, सीधी सी बात है, स्पोर से आपका गेमेट बन रहा है और गेमेट से आपका स्पोर बन रहा है, यही है। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपका अनरिड्यूस्ड सेल, ठीक है, मेगा गेमेटोफाइट बनाता है तो उस ऐसे गेमेटोफिटिक, उसको हम बोलते हैं गेमेटोफिटिक एपोमिसिस उसमें होता है। ठीक है, गेमेटोफाइट बनाया था ना अभी, इसको एम्ब्रियो से गेमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर अनरिड्यूस्ड सेल आपके डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, ये भी समझने वाली बात है, एम्ब्रियो से एक बनाया तो गेमेटोफिटिक, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाया तो आपका स्पोरोफिटिक, समझने वाली बात है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आपका खत्म होगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, एम्ब्रियो से एक को याद रखिए मेगा गेमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपकी क्लियरेंस चीज़ें आती जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते थोड़े से, है ना। अब क्योंकि ये एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल है ये रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बहुत सारी स्पीशीज में देखा गया, मेनली फ्रूट क्रॉप्स में, और ज़रूरत भी होती है हमको फ्रूट क्रॉप, वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा सिग्निफिकेंस में क्यों ज़रूरत होती है। इसमें देखो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट नहीं होता जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है, तो इसकी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, तभी तो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस तभी तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं। एपोमिक्सिस डज नॉट लीड टू द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अब वही बात है कि जब रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है तो वेरिएबिलिटी होने के चांसेस नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो वेरिएबिलिटी नहीं आती है, कमेंट करिए अगर आपको समझ में आता है कि किस तरीके से वेरिएबिलिटी आती है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको पता हो वेरिएबिलिटी आती है, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, वेरिएबिलिटी आ जाती है तो वो किस तरीके से आती है वो जरूर आप कमेंट करिए। ठीक है, एपोमिक्सिस डज नॉट परमिट जीन फ्लो, वही बात है कि क्योंकि वही बात है कि एक
जो एक हमारा ये स्पीशीज है, दूसरी स्पीशीज है, अब इसका जीन इसमें जा ही नहीं रहा है, फ्यूजन हो ही नहीं रहा, तो जीन फ्लो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, जब जीन फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आपके नहीं बन रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो ये समझने वाली कहानी है। ये जितना आपके दिमाग में इसकी पिक्चर क्लियर होती जाएगी, उतने कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अभी देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन एंड कैन अचीव बाई हेप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। अब हेप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसको समझने के लिए पूरा लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहीं समझ में आएगा, बीच में बता दूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए, प्योर लाइन आप सबको पता है, प्योर लाइन हम बनाते हैं जो कि क्या होता है आपका, जिसमें आपके जीनोटाइप हैं वो सब होमोजीनस होते हैं। ठीक है, कैपिटल है कैपिटल है, कैपिटल है कैपिटल है, तो होमोजीनस एज वेल एज होमोजाइगस। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसी कोई सी स्पीशीज है जिसमें कि हमको प्योर लाइन उसका मिल चुका है, अब प्योर लाइन मिल चुका है, अब मैं आपको बता दूं कि प्योर लाइन वेराइटी और हमारे काम की है, तो ये प्योर ही रहनी चाहिए ना, टर्म से क्लियर है प्योर है तो प्योर ही रहनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं रिकॉम्बिनेशन कर दूंगा तो क्या ये प्योर रहेगी? नहीं रहेगी, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, वेरिएशन आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमारे जो है कि एपोमिक्सिस बड़े काम की चीज़ है। तो क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन। देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट है, ठीक है, एपोमिक्सिस कैन बी जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड यूजफुल इन कंजर्विंग सुपर सुपीरियर जीनोटाइप एंड हाइब्रिड वीगर। तो देखो यहाँ से पता चल ही रहा है, हम यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, एक बार हमने अगर बना दिया तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं हमारे जीनोटाइप को और हाइब्रिड वीगर को, कंजर्विंग सुपीरियर जीनोटाइप, जो हमको अच्छे जीनोटाइप मिल गए, अब उनको कंजर्व करना है ना। सीधी सी बात है कि एक बार अगर आपने अच्छा हेल्थ पा लिया है तो उसको हमको कंजर्व करना है ना, उसको डिटोरिएट तो नहीं करना है, इसलिए हमारा काम आता है एपोमिसिस। रिपोर्टेड इन मोर देन 300 प्लांट स्पीशीज ऑफ 35 फैमिली, तो काफ़ी लार्ज नंबर है, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है इसको। ठीक है, अब चलिए यहाँ आ जाते हैं, ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे, मैंने आपको एम्ब्रियो सेक बताया था, उसमें देखो ये जो बीच में होते हैं ये दो पोलर न्यूक्लियर होते हैं, सबको पता हो, पता होगा वैसे ये चीज़ें। अब ये जो दो हैं ये आसपास में ये सिनर्जी, और ये जो तीसरा ये जो बना हुआ है ये एक सेल है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको मत पढ़ो, यहाँ ऊपर ये एंटीपोडल सेल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है। क्या है? एम्ब्रियो सेक, मेगा गेमेटोफाइट है। ठीक है ना, ये टर्मिनोलॉजी सी तो दिक्कत देती है, इसलिए लिख लेना साथ में टर्मिनोलॉजी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्यों इंपोर्ट स्ट्रक्चर इतने क्यों डाले हैं, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर का ही खेल है इसमें। जितने आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो देखो मैंने आपको बताया था, ये स्टिग्मा, ये इतना स्टाइल और इतनी बच्ची आपकी ओवरी, तो ओवरी के अंदर से रोल चालू होता है, ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल हमने इधर निकाल के रख दिया, ये समझ लो कि ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल समझना आपको जरूरी है। ठीक है, ओव्यूल समझ लो, आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक, जो इंसान ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक समझ गया, ठीक है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक समझ गया, उसको फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये चलाजा पार्ट होता है, ठीक है, चलाजल पार्ट होता है। अब इसमें जो बीच में मैंने ये बताया आपको, ये न्यूसेलस न्यूक्लियस टिश्यू होता है, मतलब न्यूसेलस होता है। देखो अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा एक सिंगल सेल होता है ना, ये पूरा मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, सब 2n होते हैं, और इसी में से एक सेल कोई स्पेसिफिक होती है जो कि ये एम्ब्रियो सेक बनाती है, तो ये पहले से नहीं बना है, अब चलो बना के रख दिया यहाँ पे, लेकिन पर ये भी भरा हुआ रहता है पूरा, ऐसा समझना। तो ये पूरा न्यूसेलस होता है, फिर ये जो ऊपर का भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होता है, ये न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सेक है, पूरा एम्ब्रियो सेक है ये, फिर ये बीच में एक है, दोनों आसपास सिनर्जी होते हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है ना, इनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। ये कैसी होती है? 2n होती है, ठीक है, 2n होती है, और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये हाइलम, इससे अपने को इतना लेना देना नहीं है। अब एक और चीज़ समझ लेना, कोई सी चीज़ 2n है, जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगा वो एन नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो चलो ये एन है अंदर में, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि एन ही हो हमेशा, ये 2n भी मिल सकता है हमको, एक एंटीपोडल सेल है, ये भी 2n 2n हो सकते हैं। समझने वाली बात है, आगे समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट्स पे। देखो जो हमारा नॉर्मली, इसको मैं नॉर्मली ऐसे बांटूँ कि एपोमिक्सिस के चार चीज़ हमने देख ली, एक एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं है, एक आपका एपोस्पोरी है,
एक आपका डिप्लो स्कोर ही है, एक आपका एपो गेम ही है, ठीक है, एपो गेम ही राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, और एक है आपका पार्थेनोजेनेसिस। अब अगर ऊपर के स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? सबसे पहले आते हैं हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक। क्या होता है इन दिस केस, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल। मैंने क्या बताया आपको ओव्यूल में? ओव्यूल बताया था मैंने आपको यहाँ पे, ये पूरा ओव्यूल है, इसकी वेजिटेटिव सेल कौन सी है? एक तो न्यूसेला से इसमें, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूसेला से पूरा, ठीक, ये न्यूसेला से, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रोपाइलर एंड भी होता है, चलासा एंड भी होता है, सॉरी चलासल, तो यहाँ पे चलासा पार्ट है। तो इन तीनों सेल में से अब ये क्या होता है, ये टू एन होता है ना सबका, सब टू एन होता है। अगर इनसे डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है, इनसे डायरेक्ट अगर आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक। ये चीज़ें समझ लो, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन सारी की सारी आती है, तो इतना समझ में आ गया क्या था यहाँ पे, ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं डेवलपमेंट, देखो एम्ब्रियो सेक बना है कि अंदर नहीं बना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एम्ब्रियो सेक नहीं बना, इसलिए ये पोर्शन समझाया था आपको। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक आपका नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन आ जाए किसमें एम्ब्रियो सेक नहीं बन रहा है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक में एम्ब्रियो सेक नहीं बनता है, ये जो है न्यूसेलस में से, इंटेग्यूमेंट में से, और चलाजा के पार्टीशन से आपका बन जाता है। किसमें होता है? मैंगो सिट्रस में होता है, ये एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देना देखिए अब क्या है, हमारा एपो स्कोरी है, ठीक है, एपो स्कोरी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा न्यूक्लियर न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस है, न्यूसेलस का मतलब क्या होता है, उसमें एक जो सेल हमारी कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी में, मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है, उसके अलावा जो और भी सेल्स होती है, इनको हम जो वेजिटेटिव सेल होती है, सब टू एन होती है ना, सब टू एन होती है, ध्यान रखना, इंटेग्यूमेंट्स और आपका चलाजा और आपका ये न्यूसेलस और आपके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं यहाँ पे, ये आपका एमएमसी, ये सब टू एन होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से जब कन्वर्ट होके माइक्रोस्पोर बनता है ना, माइक्रोस्पोर बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है आपका, तो उसके बाद एन होता है, ध्यान रखना है, यहाँ पे इस वाली चीज़ में कुछ नहीं होता है, तो ये जो आपका दूसरा जो सेल है यहाँ पे, दूसरा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा सेल प्रेजेंट है, दूसरा कोई सा वेजिटेटिव सेल, अगर वो आपका एम्ब्रियो सेक में रिड्यूस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक बनाता है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक, मतलब मियोसिस वियोसिस उसमें नहीं होता, मियोसिस नहीं होती है, और एम्ब्रियो सेक बनाता है अदर देन एमएमसी, ध्यान रखना अदर देन एमएमसी, तो ये एम्ब्रियो सेक बनाएगा, तो उसके एक या फिर उसके सिनर्जिड या फिर उसके अलग अलग सेल से अगर आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एपोस्पोरी, ठीक, क्लियर है, पढ़ लेते हैं। सम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल डेवलप इंटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक, हो गया, ठीक है, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक, द एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम एक सेल और सम अदर सेल्स ऑफ दिस एम्ब्रियो सेक, ठीक है, क्लियर है, इसमें ऐसा होता है एपोस्पोरी में। इसके एग्जाम्पल हैं हेरेशियम, मेलस, क्रेपिस, रेनिक्यूलस, तो ये एग्जाम्पल भी आप पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना क्लियर है, अब चलें आगे। डिप्लोस्पोरी, अब हमारा आ जाता है डिप्लोस्पोरी, ये हो गया आपका क्या है डिप्लोस्पोरी, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एम्ब्रियो सेक है ना, एम्ब्रियो सेक किससे बन रहा है, मेगा स्पोर से बन रहा है, ठीक है, अब जैसे कि ये आपका एमएमसी है, कैसे बताऊं मैं आपको, ये जो आपका जो एक सेल था आर्चिस्पोरिन वाला, वो कन्वर्ट होता है एमएमसी में, मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है, ये बनाता है आपका मेगा स्पोर, ठीक है, एमएमसी जो है ये, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस एब्सेंट होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी टू एन हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में डिफरेंस क्या आ रहा है, कि वो जो था एपोस्पोरी वो अदर देन एमएमसी था,
ठीक है, यहाँ पे एमएमसी में हो रहा है काम, माइक्रो स्पोर मदर मेगा स्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। तो ये मेगा स्पोर लिखा ना, मेगा स्पोर मदर सेल में, तो इससे जो जनरली जनरली डिप्लोइड बनता है, डिप्लोइड एम्ब्रियो से बनता है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा जूम करके। तो मियोसिस इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि मेगा स्पोर डिप्लोइड ही रहता है, ठीक है। डिप्लोइड स्पोर लीड्स टू पार्थेनोजेनेसिस और एपोकेमी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये डिप्लोइड स्पोर ही, पहले डिप्लोइड स्पोर ही समझ लीजिए, फिर वो किस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस और एपोकेमी में जाएगी वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए ये देखिए, समझिए, ये नॉर्मल एम्ब्रियो से होता है, इसमें क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें आपका मियोसिस होता है और ये सिंगल एक एक सेल बन जाता है, यहाँ पे एन बन जाता है ना, एन बन जाता है फंक्शनल। फिर इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से सेवन सेल स्ट्रक्चर हो जाता है, सेवन सेल और एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो जाता है ये वाला। लेकिन हमारे डिप्लोई स्पोरी में क्या हो रहा है, ये देखो डिप्लोई स्पोरी, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एमएमसी है, एमएमसी टू एन है, इसमें मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि टू एन का टू एन ही रहेगा और बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। तो इस तरीके से ये जो है, जो सेंट्रल सेल हो जाएगा वो अपना फोर एन हो जाएगा, बाकी के जितने भी सेल अपने टू एन हो जाएंगे। अब ये लास्ट पॉइंट जो लिखा था, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी, इससे क्या समझते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह लेते हैं। ये देखो हमारा क्या था, एम्ब्रियो सेक कैसा बनता है, अभी हमको पता है यहाँ पे एक बनता है, ये सिनर्जिड्स बनते हैं और ये आपके बनते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में आपका पोलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जो एक से हमारा जो डायरेक्ट एम्ब्रियो से एक बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और जो हमारा सिनर्जिड्स या फिर एंटीपोडल से बनता है, इसको हम बोलते हैं एपोगेमी। ओके क्लियर, ये दो चीज समझ लो। तो ये दोनों चीज आई कहाँ से, ये आई कहाँ से, ये हमने एपोस्पोरी या फिर डिप्लोस्पोरी से आई ना, कि जैसे टू एन है हमारा, मान लो डिप्लोई स्पोरी से ही तो बना है एम्ब्रियो सेक, तो ये डिप्लोई स्पोरी लीड करता है किसको, पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी को। आई बात समझ रहे, एमएमसी, एमएमसी से आपका क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था, और माइक्रोस्पोर से आपका बना था एम्ब्रियो सेक। एमएमसी से आपका बन गया था एम्ब्रियो सेक। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है, ये टू एन है हमारा, मतलब हर तरीके से, तो उसमें ही आपका एपोगेमी और डिप्लो पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, जो कि अभी आगे कवर करेंगे। तो इसलिए ये लीड करता है पार्थेनोजेनेसिस को, ठीक है। यही बात समझ में सबको, रट्टा हुआ तुम्हारी है कि हर चीज़ की इससे हो, बच्चे क्या करते हैं, सीधा सा रट्टा मार लेते हैं कि चलो इससे सीधा एमएमसी से हो गया, तो ये बोलेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो है आपका न्यूक्लियस वगैरह से हो गया, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यहाँ से हो गया, तो इस तरीके से डिप्लोई स्पोरी, और इसको छोड़ के बाहर और कहीं से हो गया तो एपो स्पोरी, और एक से हो गया तो पार्थेनोजेनेसिस, सिनर्जी एंटीपोडल से हो गया तो एपोगेमी। ये तो ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी देखा नहीं, एडी हरियाणा का पेपर कैसा आया था। तो एपो, अब हम आते हैं एपोगेमी में, ठीक है, वहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस हमको पढ़ना है अंदर से। अब तो मैंने आपको ये बताया था स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक आपका एक बना था, दो सिनर्जिड्स बने थे, ठीक है, ये और ये एंटीपोडल बने थे, बीच में ये था आपका पोलर न्यूक्लियस। एपोगेमी में क्या होता है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, क्या है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, ये तो हो गए आपके सिनर्जिड्स और ये हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इनसे अगर आपका डायरेक्ट एम्ब्रियो सेक बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, इससे डायरेक्ट अगर आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो क्या होगा, एपोगेमी होगा, ठीक है, गेमी, इस तरीके से याद रखें। लाइक पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस अभी पढ़ाऊंगा आपको आगे, एपोगेमी में भी हेप्लोइड और डिप्लोइड, अभी आपको पता चला हेप्लोइड और डिप्लोइड क्यों होता है, एक एपोस्पोरी हमने पढ़ा, एक डिप्लोस्पोरी पढ़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेप्लोइड और डिप्लोइड क्यों हो गया। तो हेप्लोइड है तो हेप्लोइड बनेगा, डिप्लोइड स्टेट है एम्ब्रियो सेक का तो डिप्लोइड बनेगा, और वो कैसे बना है वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी पढ़ के, है ना। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, वरना फिर से आप पीछे चले जाइए और पीछे फिर से पढ़िए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सबसे कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर रखिए। डिप्लोइड एपोगेमी का
टाइम में होता है ये, एग्जांपल आप पढ़ लीजिए एलियम वगैरह, ठीक है। एग्जांपल ज़्यादा क्या पढ़ने की चीज़ें क्या बताऊँ इसमें आपको, ये एपोगेमी है, ये हेप्लोइड। एपोगेमी में क्या होता है कि एन होता है, हेप्लोइड मतलब एन, तो एन से स्पोरोफाइट भी कैसा रहेगा, एन रहेगा, लेकिन 2N जैसे यहाँ पे एन है। डिप्लोइड एपोगेमी में क्या होगा, ये 2N है ना, ए रहे ना, तो एन का क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो वो 2N हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस देख लेते अपन एपोस्पोरी और एपोगेमी में, किस में देखेंगे, ये तो हो गया आपका एपोस्पोरी और ये हो गया आपका एपोगेमी। क्या डिफरेंस है एपोस्पोरी और एपोगेमी, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ 2N गेमेटोफाइट, ठीक है। 2N गेमेटोफाइट मतलब आपका एम्ब्रियो सेक, गेमेटोफाइट मतलब क्या है, एम्ब्रियो सेक, कन्फ्यूज नहीं होना। विथाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हो रहा, एंड स्पोर्स, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब समझ लो जो 2N सेल हमारी होती है, न्यूसेलस होता है, वहाँ के जो वेजिटेटिव सेल्स है, जो वेजिटेटिव अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ से वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ठीक है। वहाँ से आपका क्या बना, 2N बना, डेवलपमेंट ऑफ 2N गेमेटोफाइट बना वहाँ से, तो वही आपका क्या होगा, एपोस्पोरी होगा। जहाँ पे भी एपोगेमी में क्या होता है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो है एसेक्सुअल, एपोमिक्सिस है, अकरिंग इन सम फर्न्स, कुछ फर्न्स में देखने को मिलता है, इन विच स्पोरोफाइट मतलब जो एन है आपका, डेवलप फ्रॉम द गेमेटोफाइट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमेट। देखो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जो हेप्लोइड आपका एपोगेमी होता है, डिप्लोइड भी एपोगेमी होता है, तो एपोगेमी जैसा आपने पढ़ा है, इसमें क्या होता है, जो एन होता है मतलब आपका जो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल, वहाँ से आपका एम्ब्रियो सेक बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है, तो वही बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तभी एम्ब्रियो बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ गेमेटोफाइट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, यहाँ पे स्पोर नहीं बनता, ध्यान रखना है, एपोस्पोरी में स्पोर नहीं बनता और एपोगेमी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दो चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। एपोगेमी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये क्या पता, डिप्लोइड गेमेटोफाइट बनाता है, ये हेप्लोइड एम्ब्रियो बनाता है आपका, ठीक है, हेप्लोइड एम्ब्रियो बना देगा। देन कहाँ पे होता है, एंथोसेरोस में, और ये होता है फ्यूनेरिया में। ओके क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एक सेल आपका होता है बीच में, ये एक सेल से अगर एम्ब्रियो बन रहा है आपका, तो वो आपका हो गया पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, पर मेनली आप पार्थेनोजेनेसिस पे आएंगे तो यही पढ़ना है, नहीं तो गोनियल पार्थेनोजेनेसिस और सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस अगर आपको पूछ ले, मान लो तो गोनियल में तो एक सेल से बन रहा है और सोमेटिक में अदर देन एक सेल से बन रहा है ना, वो कन्फ्यूजन एग्जाम में अगर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो आपको लिखना, बाकी पार्थेनोजेनेसिस मतलब एक सेल से आपका होता है। अब दो चीज़ और आती है यहाँ पे, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है आपका, उसमें यूजुअली मियोटिक डिवीजन होता है और वो हेप्लोइड एम्ब्रियो से बनाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका हेप्लोइड है वहाँ पे आप याद रख लीजिए नॉन रिकरेंट, क्यों, क्योंकि द न्यू एम्ब्रियो मे देन अराइज फ्रॉम द एग जो कि हेप्लोइड होता है, और अदर जो भी वो भी हेप्लोइड होता है, जैसे कि आपका सिनर्जिड वगैरह से हो गया, तो जो हेप्लोइड प्लांट है उनमें वैसे ही आपके हाफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि आपके रिपीट नहीं होंगे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए नॉन रिकरेंट होते हैं, ठीक है। और रिकरेंट में क्या होता है, क्योंकि ये डिप्लोइड से बनता है, सीधी सी बात है, गेमेटोफाइटिक एपोमिसिस इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर प्लांट मियोसिस, क्योंकि इसमें मियोसिस तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो आप मियोसिस किसमें हो रहा किसमें नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से उस तरीके से याद रखिए। इट जनरली अराइजेज आइदर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल और फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द न्यूसेलियर। अब ये देखिए आर्किस्पोरियल सेल मतलब वही एक आर्किस्पोरियल सेल होता है जिससे ही आपका एनएमसी बनता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, वही बात हो गई यहाँ पर। एन है तो नॉन रिकरेंट, क्योंकि ये वैसे ही आता है कुछ नहीं हो पाएगा, और ये जो 2N, क्योंकि हमने बात करी है 2N से 2N ही रहता है डिप्लोइड में, तो आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस हो गया। सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, सिग्निफिकेंस में मैं आपको बता चुका हूँ, ज़रूरत कब पड़ती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती हमको, लेकिन जब आपको वेराइटीज मेंटेन करने से तब इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ एपोमिक्टिक स्पीशीज, द
ब्रीडर हैज टू अवॉइड एपोमिक्टिक प्रोजेनी वेन ही मेकिंग क्रॉसेस और प्रोड्यूसिंग इनब्रीड लाइन। ठीक है, इनब्रीड लाइन बनाने के टाइम पर आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। देन एक बार आपके डिजायरेबल जीनोटाइप बन गए, ठीक है, मतलब वैसे आप क्रॉसिंग करते रहोगे, लेकिन एक बार आपको मिल गया कि हाँ ठीक है ये हमको मिल गया, दिस इज गुड वेराइटी, अब इसको हमको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना मल्टीप्लाई करना, तो वहाँ पे हमको एपोमिक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे समझिए, लिखा उस पे जाने दीजिए अलग से। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप इस वजह से हाईली हेट्रोजाइगस, ये चीज़ याद रख लीजिए, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप जो होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, हाईली हेट्रोजाइगस होती है और सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये आपको शो करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कमेंट करिए, आपको जो समझ में नहीं आया तो फिर इसको समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ आप समझ लो शॉर्ट में, क्या पढ़ा हमने, एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं पढ़ा, तो ये आपका हो गया न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स और आपका चलाजलेंड। ठीक है, देन हमने पढ़ा एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। ठीक है, ये तीनों आपके काय में हुआ था, एक तरीके से ओव्यूल में हुआ था। ठीक है, तो एपोस्पोरी में हमने देखा था वेजिटेटिव सेल था, डिप्लोस्पोरी में हमने देखा था आपका एमएमसी था। ठीक है, यहाँ से आपके बनते थे एम्ब्रियो, ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाते हैं। और जो आपका एपोगेमी और एक आपका पार्थेनोजेनेसिस, ये दोनों आपके क्या बनाते हैं, ये भी एम्ब्रियो बनाते हैं और ये आपके बनाते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, क्लियर है, तो ये बेसिकली इसका शॉर्ट में आप समझ लीजिए पूरी चीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।